पहले बार जब हम लोग बात किए इफ का, तो सबसे पहले हम लोग बताए कि कैसे काम करेगा, उसके बाद बहुत छोटा सा एग्जांपल लिए हम लोग, एक नंबर का ऑड और इवन प्रिंट करा रहे थे, ऑड और इवन प्रिंट करा रहे थे, उसके कंडीशन वाले जगह पे हम लोगों ने क्या किया कि हम उसको मॉड निकाल रहे थे, दो से भाग देके, दो से भाग देके उसका मॉड निकाल रहे थे और उसको कंपेयर कर रहे थे कि ये जीरो है कि नहीं है, अगर वो जीरो था तो इवन हो गया, अदरवाइज ऑड हो गया, ये वो सिंपल था, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इफ, ठीक है, इफ में ये काम हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग ध्यान दो इधर, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया और हम लोग उसको इफ एज के रूप में, एज को देखते हुए या तुम्हारी खरीदारी को देखते हुए कितना तुम कहां से कहां तक खरीदारी किए हो, उस पर डिस्काउंट देना शुरू किए और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिए उसको। बाद में फिर ग्रेडिंग में आए तो और कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर हम बोले तुमको कि हम कैसे टिकट कटाएंगे तो कैसे कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं, एज पे भी दे सकते हैं और जेंडर पे भी दे सकते हैं, ठीक है, तो एक और उसमें कंडीशन जुड़ गया। तो हम लोग देखिए एक से ज्यादा जब कंडीशन हो रहा था तो हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग उसी इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे थे और ट्रू और फॉल्स वाले जगह पे एक और इफ लगा दे रहे थे, ठीक है। तो इफ फंक्शन बीइंग कॉल्ड इनसाइड इफ फंक्शन, ठीक है, तो हम उतनी बार इफ फंक्शन कॉल करेंगे जितनी बार तुम्हारा कंडीशन लगेगा, जितनी बार कंडीशन लगेगा उतनी बार इफ इनसाइड इफ होता रहेगा, समझ में आ रही बात। इफ कंडीशन वन इज ट्रू देन कंडीशन टू विल बी टेस्टेड, और कंडीशन टू कहाँ रहेगा, म्यूट करके रखो सब, एक बार म्यूट करके रखो सब लोग। ठीक है, अब ज्यादा ध्यान दो। तो हम लोग क्या बात किए कि हम लोग इस तरह से इफ का काम कर सकते हैं। इफ अगर हम अगर किसी को बोले कि अगर कोई एक खड़ा हो जाए कि हम इफ हैं, तो उसके पास दो कंडीशन है कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो तुम ये वाला हाथ करता, जैसे मान लो कि इफ है, ये ट्रू वाला हाथ है, ये फॉल्स वाला हाथ है, ठीक है, हमको कंडीशन तुम बोले, हमको वो कंडीशन ट्रू लगा तो हम ये हाथ उठा दिए, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। अगर मेरे इस दाहिने हाथ पे ट्रू पे भी एक इफ रहे जो तुम हो, तो हमको जैसे ही ट्रू मिलेगा तो हम इस इफ को ट्रांसफर कर देंगे अपना कंट्रोल, ठीक है, कि हमको अब ट्रू था, ट्रू वाला में हमको इस हाथ का यूज करना था, इस हाथ से हम लोग क्या किए, दूसरे इतना अंधेरा मत करो, दूसरे इफ को कंट्रोल दे दिए। अब वो दूसरा इफ जो है वो भी बिल्कुल वैसे ही इफ का काम करेगा। अच्छा, अब मान लो कि मेरे हमको वो कंडीशन ट्रू मिला तो हम दूसरे इफ को कंट्रोल दे दिए ट्रू वाले पार्ट में, अगर वो कंडीशन फॉल्स मिला तो क्या करें, तब हम तीसरे इफ को दे सकते हैं ना, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक इफ है, ठीक है, फॉल्स अगर हुआ तो हम उसको कंट्रोल दे दिए। अब देखो मेरा क्या हो गया कि पहला इफ हम है, अगर हमको ट्रू मिलता है कंडीशन तो हम इस इफ को ट्रिगर कर रहे हैं, अगर फॉल्स मिलता है इस इफ को ट्रिगर कर रहे हैं। सेम काम इस ये इफ भी तो कर सकता है ना, यही सेम काम ये इफ भी कर सकता है, तो इंडिविजुअली अगर तुम अलग अलग इफ को सोचोगे ना तो समझने में आसानी होगा। इसीलिए हम क्या किए थे कि हर ग्रेडिंग का इफ अलग लिखे थे और बाद में उसको सब जगह एक जगह हम पेस्ट कर दिए थे ताकि तुमको समझ में आए, समझ में आई बात। एक बार कोशिश करना वो टिकट वाला, टिकट का जो हम तुमको बताए थे स्लैब कि इतना इतना से इतना एज के बीच में डिस्काउंट मिलेगा और प्लस जेंडर के साथ भी, वो स्लैब होगा लिखा हो तुम लोग के पास, नहीं हम करने के लिए नहीं, करने के लिए बताए थे, किए नहीं थे हम, हाँ स्लैब लिख लो फॉर मेल,
मेल का लिख लो, मेल अगर होगा तो उसके उसको 50+ होने पे, 50 to 60 के बीच, 50 to 60 के बीच फॉर मेल पैसेंजर्स एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन 60 और डिस्काउंट मिलेगा 10%, 10% डिस्काउंट, 10% मिलेगा मेल को अगर उनका एज 50 से 60 के बीच में है, मतलब 50 एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन 60, ठीक है, और एबव 60 उनको दिया जाएगा, थोड़ा बढ़ा दो, कितना हो गया, 15% कर देते उनको, ठीक है, मेल और एज मोर देन 60, ओके, इसको हम लोग और बढ़ा सकते हैं, इसको कितना भी हम लोग अंदर लेके जा सकते हैं, कितना भी इफ यूज कर सकते हैं, लेकिन यही दो कंडीशन लेके चलते हैं। अभी फीमेल के लिए लिख लो, फीमेल के लिए अगर जेंडर फीमेल है तो 40 से 50 के बीच, ग्रेटर इक्वल टू 40 एंड लेस देन 50 में 10%, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन 50 10% डिस्काउंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लेस देन 60 15% डिस्काउंट, 15% और ग्रेटर देन 60, हम लोग मेल में क्या दिए ग्रेटर देन 60 में, 15, यहां 20 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डिस्काउंट विल बी 20%, ठीक है, कोई डाउट है किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं जो उसमें मेल में तो दो ही दिए ना हम लोग, 50 60 और 60 अबव है ना, फीमेल में 3 क्राइटेरिया है, फीमेल में 3 है ना, 40 से 50 50 से 60 और 60 अबव, जानू जैसा दिया गया, ठीक है, तो इफ हो गया, इफ पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके, एंड और नॉट, ये तीनों भी क्लियर हो गया था, इसके साथ साथ जब जो दो कंडीशन पे हमको इफ करना होगा, दो कंडीशन पे हमको डिसाइड करना होगा और दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे करना होगा तो एंड फंक्शन पे कॉल करेंगे, और एंड फंक्शन में दो पैरामीटर जाएगा और बोथ आर कंडीशन, दो या दो से ज्यादा, जैसे मान लो अभी तुम हम लो वो वाला ले, अभी डिस्काउंट वाला, तो हम लोग लिख सकते हैं ना जेंडर इक्वल टू मेल और कॉमा दे के लिख सकते हैं दूसरा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कॉमा एज सॉरी 50 और लेस देन 60, तो 3 कंडीशन हो गया ना, एज का क्राइटेरिया लिख लिए यहां से बड़ा और यहां से छोटा और साथ में जेंडर भी हो गया, 3 एंड के साथ तीनों लगा दो, तीनों ट्रू हो गया तो मेरा ट्रू हो गया तो डिस्काउंट दे दो यहाँ पे, एल्स वाले में भेज दो दूसरा टेस्टिंग के लिए, नहीं समझ में आई बात, वो स्लैब दिखाओ, अभी स्लैब जो बताए दिखाओ, देखो स्लैब में लिखे है ना मेल के लिए 50 to 60 के बीच में हम लोग डिस्काउंट दे रहे 10%, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, मान लो कि हम ऐसा लिखे कि जेंडर जेंडर जो है वो सेल, मतलब जो हम बोल रहे हैं तुम समझो कि उस सेल का उस सेल का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो जेंडर वाला जो है उसको हम लिख दे बराबर मेल, एंड फंक्शन एंड लिखे पैरेंथेसिस ओपन कर रहे हैं, इसके अंदर हम अलग अलग कंडीशन डालेंगे, ये सारे कंडीशन ट्रू होने पे हमको 10% देना है, वो सारा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है जेंडर बराबर मेल, मतलब बी वन
मान लो सेल का नाम है B1, तो B1 इक्वल टू मेल या M जो तुम रखे हो, कॉमा देंगे, कॉमा देके लिखेंगे, एज वाला कॉलम उठाएंगे, एज वाला सेल उठाएंगे, डेट इज सपोज करो कि वो C1 है, ठीक है, लिखेंगे C1 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और कॉमा देके फिर लिखेंगे B1 लेस देन इक्वल टू 60। तीन कंडीशन हुआ ना, ये तीन कंडीशन मेरा क्या क्या इंश्योर हो रहा है कि इसको 10% मिलेगा, इसको 10% मिलेगा, मतलब मेल भी होना चाहिए, एज 50 से बड़ा होना चाहिए और एज 60 से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग करते तो बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता हमको, तो हम क्या करेंगे एंड फंक्शन का यूज करेंगे और तीनों क्राइटेरिया इसी में डालेंगे, तीनों जो हमारा कंडीशन है क्राइटेरिया तीनों डालेंगे, कॉमा दे देंगे और हमको वहां से मिल जाएगा ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगा तो ट्रू वाले जगह पे हम लोग 10% कैलकुलेट करके उस सेल में रख देंगे, है ना, और फॉल्स होने की कंडीशन में हम दूसरा इफ लिखेंगे, दूसरा इफ लिखेंगे जिसमें मेल तो रखेंगे लेकिन फीमेल एज वाला बदल देंगे, एज 60 ग्रेटर कर देंगे, है ना, मोर देन 60, उसका भी हम लोग इफ ट्रू वाले में डिस्काउंट देंगे और एल्स वाले में फिर दूसरा इफ लिख देंगे और वहां पे जेंडर इफ फीमेल कर देंगे, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। एंड और तुम लोग अभी पाइथन पढ़ रहे हो ना, यही बिल्कुल ऐसा ही इफ तुमको वहां ही मिलेगा, ऐसा ही एंड वहां ही मिलेगा, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, सिंटेक्स अलग हो सकता है, यहाँ पे चूंकि हमको एक्सेल में एक ही सेल में लिखना है तो एक ही फंक्शन में सब समराइज कर दिए, वहां पे क्या होगा कि हमको वहां पे स्क्रिप्ट लिखना होगा तो हमको एक से ज्यादा लाइन मिलेगा, तो इफ देंगे कंडीशन देंगे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अपना जितना लिखना लिखो, यहाँ पे मेरे साथ क्या है कि कॉमा के बाद एक स्टेटमेंट मिला है हमको लिखने के लिए ट्रू में और एक स्टेटमेंट लिखा है मिला है फॉल्स में, अगर प्रोग्रामिंग में जाओगे तो मल्टीपल लाइन तुमको मिलेगा ट्रू होने के कंडीशन में भी और मल्टीपल लाइन मिलेगा फॉल्स होने के कंडीशन में भी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल कंसेप्ट यही है, एंड भी ऐसा ही काम करेगा और भी ऐसा ही काम करेगा, इफ भी ऐसा ही काम करेगा जैसे यहाँ पे काम करेगा, वहां भी हम लोग एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिख रहे हैं, एल्स में भी लिख रहे हैं ट्रू वाले में और फॉल्स वाले में भी, तो वहां भी वैसा ही करेंगे, वहां भी प्रोग्रामिंग में तुम देखोगे इफ के अंदर दूसरा इफ और एल्स वाले पार्ट में भी दूसरा इफ, उसमें भी कर सकते हैं इसे भी कर सकते हैं, जिसको लोग बोलते हैं इफ एल्स लैडर या नेस्टेड इफ, ठीक है, ओके, वहां पे वो स्टेटमेंट होता है या फंक्शन है। ओके, और नॉट, और भी समझ में आ गया, एंड में तीनों ट्रू होगा तब हम ट्रू वाले पे जाएंगे और लगा, अगर और फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसमें जितना स्टेटमेंट लिखो जो क्राइटेरिया है कोई एक ट्रू हो जाएगा तो हम बाकी को टेस्ट ही नहीं करेंगे, मतलब पहला वाला ट्रू मिल गया तो बाकी को टेस्ट करना ही नहीं है, सीधे ट्रू वाला रन करा देना है, ठीक है। नॉट में क्या करते हैं कि जो कंडीशन देते हैं उसको निगेट कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं और तब हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ओके। यहाँ पे एक बात ये देखना था कि हम लोग अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा एक्सेल में एरर आता है, अगर एरर आए तो क्या कर सकते हैं। देखो एरर एक्सेल हो चाहे किसी तरह का तुम प्रोग्राम लिख रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, किसी में भी एरर हैंडलिंग बहुत बड़ा इश्यू है, किसी तरह का कोई भी बग नहीं आना चाहिए, किसी तरह का कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा कि रन टाइम में तुम्हारे क्लाइंट के सामने तुम्हारा सारा का सारा नॉलेज का धज्जी उड़ जाएगा जब उसके किसी डेटा पे वहां एरर थ्रो कर देगा, समझ रहे बात को। अगर बहुत बार तुम देखोगे ऐसा अच्छा खासा नामी गिरामी वेबसाइट पे कभी किसी डेटा पे वहां पे एरर आ जाता है तो वैसा नहीं आना चाहिए यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एरर हैंडल करने का भी तरीका दिया गया है एक्सेल में भी, ठीक है। कैसे एरर हैंडल करेंगे, देखो इफ एरर फंक्शन है, इफ एरर में एक वैल्यू मतलब यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे, यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल या गुना भाग कुछ भी करेंगे यहाँ पे, अगर उसमें एरर नहीं है तो इफ एरर कुछ नहीं करेगा, इफ एरर मतलब समझ रहे हो ना, अगर एरर हो तो इफ देयर इज एरर, है ना, इफ एरर, अगर ये वैल्यू है इस वैल्यू में एरर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इफ एरर कुछ नहीं करेगा, अगर इफ एरर है, अगर एरर है इफ देयर इज एरर देन यहाँ वाला वैल्यू नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है कॉमा के बाद वाला ये वाला वैल्यू रन कर जाएगा, ये वाला वैल्यू रन करा, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मैसेज हम प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे सेल में कुछ कस्टमाइज वैल्यू हम रख सकते हैं,
जो चाहे वहां पे कर सकते हैं इस तरह का, जब भी एरर आएगा। जी सर, समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो इफ एरर करके देखते हैं हम लोग एक बार। अब मान लो कि यहां पे हम लिखते हैं 5 और यहां लिखते हैं 2, ठीक है, यहां लिखते हैं 6 और यहां लिख देते हैं 0, और हम कर रहे हैं क्या, हम डिवाइड करना चाह रहे हैं ए कॉलम को बी कॉलम से, ए कॉलम को बी कॉलम से, तो क्या होगा देखो, इफ सॉरी हम ऐसा लिखते हैं, ये वाला लिख दिए और डिवाइड कर दिए और ये लिख दिए, इंटर प्रेस किए और इसको ड्रैग कर दिए नीचे, ठीक है, तो यहां देखो यहां एरर आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय 0 एरर। एरर कैसे शो करता है एक्सेल में, हैश साइन होगा, हैश का सिंबल होगा और एरर का नाम होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन होगा, दैट इज द एरर सिंबल, ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है ना, अब इसी चीज को हम लोग इफ एरर से हैंडल करते हैं, एरर को यहां पे क्या करते हैं, लिखते हैं इफ एरर, इफ एरर इसको रहने देते हैं, और अगर एरर हो तो क्या करना है, यहां लिख देना है डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल या डिवाइड बाय 0 एरर, ऐसा कुछ भी जो हम जिसके लिए बना रहे हैं जो एंड यूजर है उसको समझ में आ जाए, ठीक है, जो यहां एरर नहीं था तो इफ एरर भी कुछ नहीं किया, इसको हम लेके ड्रैग करके नीचे लेके आते हैं, तो यहां पे क्या हो गया, जैसे ही एरर उसको मिला तो हमको एक कस्टमाइज मैसेज मिल गया डिवाइड बाय 0 एरर, ठीक है, एरर नहीं आया ना, हैश वाला एरर तो नहीं आया, तो हैश वाला एरर नहीं आया और कुछ एरर आ रहा है तो समझो कि इज्जत बच गई, ठीक है, तो इस तरह से सारे लैंग्वेज में, सारे प्रोग्रामिंग टूल्स में हमको एरर हैंडल करने का सब में एक अलग चैप्टर है, और बहुत गौर से बहुत सही तरीके से उसको पढ़ना। यहां तो बहुत आसान तरीके से लिखा गया है, इफ एरर फंक्शन है उसके अंदर कुछ भी कर दो और बाद में, हाँ अच्छा एक चीज और, यहां पे हम लोग भाग भी है ना, यहां पे हम लोग फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मान लो कि हम यहां पे डिवाइड फंक्शन कॉल करें, ठीक है, हम लोग को भाग देने के लिए एक और फंक्शन कॉल कर देते, डिवाइड नहीं था, ये था क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन था ना, ये वाला था ना क्वेश्चन, ठीक है, तो ये था डिवाइड करने के लिए, तो हम एक काम करते हैं यहां पे लिखते हैं, हाँ क्वेश्चन, और इसमें दे देते हैं इसको और डिवाइड कॉमा कर देते हैं इसको, ठीक है, और ये बंद कर दिए, कॉमा दिए, कॉमा देने के बाद हम एरर दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन और इसको हम यहाँ कर दिए, तो मेरा आ गया ये, यहाँ भी 0-0 है तो यहाँ भी ये है डिवाइड, ये भी 0 आया, ठीक है, तो ये 2 क्यों आया जी, क्वेश्चन आया है ना, 2 × 2 = 4 आया ना मेरा, ठीक है, तो ये सिर्फ क्वेश्चन आया, तो हम फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं इफ एरर के अंदर में, ठीक है, अब देखो क्या क्या एरर है वो समझ लेते हैं हम लोग, एक्सेल में टोटल जो एरर है हमारा 7 टाइप्स ऑफ कॉमन एरर है जो आएगा, जिसमें से कि एक चौथा वाला जो लास्ट वाला एरर है ये, इसको एरर के श्रृंखला में, एरर के श्रेणी में हम लोग नहीं रखते हैं, दैट इज नॉट अ एरर, ठीक है, ये क्या होता है ना कि जो तुम्हारा सेल का विड्थ है उससे ज्यादा अगर नंबर है वहां पे तो वो सारा का सारा उस पर दिख नहीं पाता, अकोमोडेट नहीं हो पाता है, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो जाए, आधा अधूरा डेटा दिखेगा तो तुम कुछ और समझ लोगे, लिखा है 19 करोड़ कुछ और डेटा कम है तो तुमको 19,000 समझ में आएगा, तो इसलिए एक्सेल क्या करता है कि उसको मार्क कर देता है सारे डेटा को हैश साइन से, तो हैश साइन को कुछ नहीं करना है, उस सेल को
उसका विड्थ बढ़ा दो, वो डेटा वापस दिखने लगेगा। समझ में आई बात? अच्छा, बाकी एरर समझते हम लोग। देखो यहां पे सबसे पहला है नल एरर, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरर व्हेन वी फॉरगेट टू सेपरेट द टू सेल्स रेफरेंस करेक्टली एंड देन वी रिसीव दिस एरर। सिंपल, हमको A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 करना था, एक प्लस साइन छूट गया मेरा, A3 और A4 के बाद एक प्लस साइन छूट गया। इस तरह का जो फार्मूला में जो एरर आएगा उसको हम लोग उसको एक्सेल जो है एरर को नल वैल्यू से दिखाता है, नल एरर से दिखाता है। एरर कैसे दिखेगा? हैश साइन, एरर का नेम और साथ में नॉट वाला सिंबल या एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे तो हमको इस सेल में, जिस सेल में ये लिख रहे होंगे, मान लो हम A5 सेल में लिख रहे थे कि A1 से A4 जोड़ के A5 में लिख दो, A5 में लिख रहे थे और मेरा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। ये फार्मूला जब कंप्लीट नहीं हुआ तो वहां पे क्या आएगा? तो तुम बोलो जीरो क्यों नहीं आया, नल क्यों आया? तो जीरो इज द वैल्यू, जीरो वैल्यू है जो किसी कैलकुलेशन में आ सकता है, लेकिन अभी तो A5 में कैलकुलेशन हुआ ही नहीं ना, कैलकुलेशन नहीं हुआ बिकॉज मेरा कुछ ऑपरेटर छूट गया था। ठीक है, तो वहां उस चीज को प्रदर्शित करने के लिए, उस चीज को दिखाने के लिए एक स्पेशल वैल्यू है, दैट इज नल। ओके, तो इसका डिवाइड बाय जीरो, तो अभी हम लोग जस्ट देखे, हम लोग डिवाइड बाय जीरो अगर होगा तो ये ऐसा आएगा। और हैश वैल्यू, दिस एरर अकर्स इफ वन ऑफ द वेरिएबल्स इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग टाइप। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट वैल्यू व्हेन अ न्यूमेरिक वैल्यू एक्सपेक्टेड। वैल्यू जो तुम फंक्शन में पास करोगे और वो वैल्यू उस फंक्शन के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तब ये वैल्यू एरर आएगा। ठीक है, जैसे हम दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं, दो सेल के डिजिट को ऐड करना चाहते हैं, उसमें से कोई दो सेल में से कोई एक सेल टेक्स्ट रखी हुए है, हेलो प्लस 13, कैसे जुड़ेगा? नहीं ना जुड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है हमको, उसमें हम देते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे स्क्वायर निकलेगा गुड मॉर्निंग का, है ना? तो इस तरह का जब मिसमैच होगा वैल्यू का तो वहां पे ये वाला एरर हमको मिलेगा। ओके, रेफरेंस एरर। रेफरेंस किसको बोलते हैं बताओ? सेल के एड्रेस को, सेल का जो रेफरेंस है वो सेल का एड्रेस बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर रेफरेंस एरर, अगर हम कोई फार्मूला लिख रहे हैं और उसमें हम किसी कॉलम का रेफरेंस ले रहे हैं और बाद उस कॉलम को डिलीट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा? हो जाएगा ना। तो होता क्या है ना कि डिलीट तो होता नहीं है, जब हम किसी, अगर पूरा मान लो हम सी कॉलम को या किसी रो को डिलीट करते हैं तो क्या होता है कि नीचे वाला ऊपर आ जाता है और वो जो टेक्स्ट जो था मेरा पहले से जो फार्मूला में था वो तो गायब हो गया, उसके जगह पे दूसरा टेक्स्ट आ गया, दूसरा पूरा का पूरा कॉलम शिफ्ट हो गया वहां पे। ठीक है, तो डेटा तो चेंज हो गया ना, डेटा चेंज हो गया। तो मान लो हम कुछ डेटा, कुछ कैलकुलेशन रखे थे जिसमें कि हम चार कॉलम यूज कर रहे थे, पांचवा कॉलम नहीं चाहिए था हमको, चार कॉलम, और उसके बाद तुम तीसरा कॉलम मिटा दिए, तो तीसरा कॉलम जैसे ही तुम डिलीट किए तो चौथा वाला थर्ड पे आ गया और पांचवा वाला फोर्थ पे आ गया, तो फॉर्मूला में तो अब नया वाला चार कॉलम में कंटेंट ऐड हो गया। समझ रहे बात को? लेकिन ये हम नहीं किए थे, हम क्या किए थे? पहला वाला चार किए जो डिलीट हो गया वो किए थे। अगर उस फॉर्मूला को ऐसे ही रहने दिया जाए और अभी नया वाला वैल्यू दिखाया जाए तो हो सकता है ना कि गलती हो जाए। कॉलम नंबर 5 हम ऐड नहीं किए थे लेकिन कॉलम नंबर 5 आ रहा है, पता नहीं, हो सकता है वो पिन कोड हो, फोन नंबर हो, उसको ऐड नहीं करना था हमको। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेल क्या करता है ना कि आप जिस फॉर्मूला में जो रेफरेंस दिए होंगे उस रेफरेंस में से कोई भी सेल अगर डिलीट करते हैं तो एक्सेल उस फॉर्मूला को रन नहीं कराता है और आपको नोटिस करवाता है कि भाई रेफरेंस एरर है, आपने जो रेफरेंस यूज किया था वो रेफरेंस अब नहीं है। ठीक है, तो दैट इज रेफरेंस एरर। नम एरर, नेम एरर, सॉरी, नेम एरर मतलब हम कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं,
हम कोई फंक्शन, देखो अगर तुम एरर को एरर नेम से अगर याद करोगे ना तो बड़ा अच्छा से याद हो जाएगा। वैल्यू एरर मतलब वैल्यू रिलेटेड एरर, फंक्शन में जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसका एरर है। रेफरेंस मतलब रेफरेंस जो दिए हैं फार्मूला में वो रेफरेंस नहीं है, ठीक है। नेम एरर, नेम मतलब फंक्शन का नाम, फंक्शन का नेम है एस की वार टी, स्क्वायर रूट के लिए हम एस की वार टी ए लिख दे तो क्या होगा, काउंट ए है फंक्शन, काउंट बी लिख दे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। तो एक्सेल रिपोर्ट करता है नेम एरर से कि भाई आपने जो नेम दिया है फंक्शन का दैट नेम इज नॉट करेक्ट, या ये नेम मेरे समझ में नहीं आया, या मेरे पास जो लाइब्रेरी का भंडार है फंक्शन का उसमें ये वाला फंक्शन नहीं है, तो आई एम हेल्पलेस, आई कांट एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, तो नेम एरर हो गया, ठीक है। नम दिस अकर विद एक्सेल एनकाउंटर्स एन इनवैलिड नंबर इन फॉर्मूला। देखो इसके पहले वाला जो था वैल्यू वाला कि हम अलग अलग वैल्यू टाइप का अंतर कर रहे थे तब हो रहा था, लेकिन अगर हमको नंबर ही देना है और नंबर भी कुछ इलीगल टाइप का हम आर्गुमेंट दे रहे हैं तब ये नम एरर आएगा। जैसे हम स्क्वायर रूट माइनस का निकाल सकते हैं क्या, सिंपल स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकते, एक्सपोनेंशियल में जाओगे माइनस वन अलग करके तो वो तो अलग बात है, ऐसे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके बाद है नॉट अवेलेबल एरर। अब लोग अभी हम लोग पाइवट टेबल, अभी हम लोग जो लुकअप वगैरह देखेंगे ना तो तुमको हम एनए एरर दिखाएंगे। एनए में क्या हो रहा है कि अगर हम किसी चीज को लुकअप कर रहे हैं और वो हमारे लुकअप टेबल में है ही नहीं, हम किसी चीज को अपने टेबल में खोज रहे हैं और वहां पे नहीं है, तो उसके लिए क्या मिलता है हमको, नॉट अवेलेबल एरर मिलता है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब एक एक एरर को हम लोग करके देख लिया जाए, इसका टेक्स्ट फंक्शन पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। डिवाइड बाय जीरो देख लिए, यहां पे हम लिख रहे हैं, म्यूट करके रखो जी, ए टू बी टू प्लस ये वाला, और इसके बाद हम डायरेक्टली ये लिख देते हैं, है ना। हम तो डी टू हो गया, ये सी टू और इसके बाद डी टू, ऐसा लिखे ना, और हम चाहते हैं कि सब जुड़ के मेरा यहां आ जाए, और हम लोग इसको जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो को मिलता है नल एरर, ठीक है। नल हो गया यहाँ पे, इस जगह पे कैलकुलेशन फॉर्मूला का नहीं हो पाया जो हम लोगों ने किया था, ओके। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम लोग सम करना चाहते हैं, तो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं सम, और यहां से इसको ड्रैग कर दिए यहां से यहां तक तो सम हो जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हम सम जब टाइप कर रहे थे तो हम गलती से सुमा टाइप हो गया, है ना, गलती से टाइप हो गया, हम ध्यान नहीं दिए और इंटर प्रेस कर दिए तो नेम एरर आ गया, ठीक है, दैट नेम इज नॉट करेक्ट। अच्छा अब सम कर रहे थे और यहां पे लिखा हुआ है हेलो, लेट अस सपोज हेलो है, और यहां पे हम इसको करेक्ट कर देते हैं, सम कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसको जीरो काउंट कर लिया, एक्चुअली इसको जीरो काउंट कर लिया, 5, 9, 5, 14, 2, 16 इसको जीरो काउंट कर लिया, ठीक है। तो अगर मान लो कि ऐसा फंक्शन कॉल करे जैसे दिखाते हैं तुमको, सम में तो नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा सेल खाली रहेगा उसको जीरो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग निकालते हैं पावर, और हम लोग लेते हैं दिस वन कॉमा दिस वन, 0 to the power 9, ये भी तो निकल ही जाएगा ना, एरर आएगा क्या, वैल्यू एरर हो गया, है ना। तो इस तरह से वैल्यू एरर हो गया मेरा, और क्या बचा, रेफरेंस एरर, गुड। यहां वापस शेयर लेके आ जाओ, 8 यहां पे आ जाते हैं हम लोग वापस सम में, सम लिख लो या
इसको यहां से लेके यहां तक जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहां पे एक बार एक इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। आ जा यार, तो और यहां पे कुछ और वैल्यू है, उसे मान लो कि हम लिख देते हैं कुछ भी 6। तो हम लोग क्या था, हाँ अभी तो अपडेट हो गया ना, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते E2, यहां तक इसको घसका दिए थे। अब हम लोग करना क्या है ना कि इस E2 में से कोई एक कॉलम डिलीट कर दो, ये पूरा का पूरा हम डिलीट करते हैं, ये हो गया A2 से D2। अच्छा देखो, नया डेटा सेट लेते हैं, यहां पे है मेरा 5, यहां पे है 3, यहां पे है 4, और यहां पे हम लिखते हैं इक्वल टू सम दिस वन कोलोन दिस वन, ठीक है। और हम इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हो यार, एक्चुअली देखो बताते हैं तुमको, नहीं 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 फार्मूला, हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं ना, सिंपल अर्थमेटिक यूज करेंगे तो देगा हमको। अच्छा यहाँ पे देखो 4, 6, 7 फार्मूला, चूंकि थोड़ा सा हम लोग का इंटेलिजेंट होता है इसीलिए काम हो जाता है। ये वाला हो गया कॉमा, सॉरी प्लस दिस वन प्लस दिस वन दिस वन, ठीक है। ये आ गया मेरा 22। अब डिलीट करो कोई, तो प्लस वाले को तो वो अपडेट कर नहीं पाएगा अपने आप को, तो ये रेफरेंस इधर उस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो एक फायदा तो ये भी है ना रेफरेंस, हम लोग सिंपल क्लास यूज करने में, कि अगर मेरा अगर कोई रेफरेंस में डिलीट होता है तो वो अपडेट नहीं होगा, है ना। तो ये रेफरेंस एरर हो गया। अच्छा एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ऐसा कुछ, तो ये आ रहा है ना मेरा 2.5675E प्लस 31, इसको तुम बता सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्या हाँ ई प्लस 31 कहने का मतलब कि 10^31 बहुत बड़ा संख्या है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में दिख रहा है। तो 2.56 पॉइंट है यहाँ पे, अगर पॉइंट को इधर हम वापस लेके जाए तो अगर दो चार करेक्टर और लेके जाएंगे तो 31 में 4 बढ़ जाएगा, तो 10^35। ये संख्या छोटा कि बड़ा है, बहुत बड़ा संख्या है, ठीक है। तो इस बहुत बड़ी संख्या को इस कंडीशन में दिखा रहे हैं हम लोग छोटे से, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट सेल, और इसको हम नंबर में लेके चले आते हैं। तो हमको देखो नंबर इतना बड़ा दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, अगर हम मान लो डेसिमल पॉइंट हटा भी दे फिर भी नंबर बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर इस नंबर को ये सेल का अगर चौड़ाई कम हो तो क्या होगा कि ये नंबर हमको कैसे दिखेगा, इट विल बी शोन इन हैश। तो ये सिंबल है कि इसके अंदर जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इसको बड़ा कीजिएगा तो दिखेगा, इसको बड़ा करेंगे कि जो ये नंबर इसमें अकोमोडेट हो जाए तो वो दिखने लगेगा, दिखने लगा। डबल क्लिक करते तब भी मेरा एक बार ऑटो फिट हो जाता और दिखने लगता, ठीक है। ओके
हाँ ना मिरर, ना मिरर में है, जैसे मान लो कि हम स्क्वायर रूट बोले थे ना, स्क्वायर रूट कोई भी स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ऐसे कोई माइनस नंबर भेज दो, माइनस नंबर तो माइनस का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, काम खत्म हो गया। ओके ये सारा। हाँ जी नॉट अवेलेबल अभी ऐसा नहीं पता, वो हम तुमको अभी हम लोग जो लुकअप करेंगे ना लुकअप पे दिखेगा, उसके लिए डेटा बनाना पड़ेगा उसमें बड़ा, ठीक है। और लुकअप अभी करेंगे तो तुम लोग को लुकअप समझ में नहीं आएगा। हाँ बताएंगे वही तो बता रहे, बताएंगे लुकअप। यहां तक हम लोग का सारा न्यूमेरिक फंक्शन खत्म हो गया, न्यूमेरिक और कंडीशनल वाला। यहाँ के बाद अब छोटा छोटा फंक्शन मिलेगा तुमको टेक्स्ट का, टेक्स्ट में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि दो टेक्स्ट को हम लोग कंकटनेट कर सकते हैं, उसके उसको हम उसका केस बड़ा छोटा कर सकते हैं ना, कैपिटल लेटर में कर दिए, स्मॉल लिखा हुआ था कैपिटल में कर दिए, कैपिटल में लिखा हुआ था स्मॉल में कर दिए, या फिर हम उसको कौन सा केस कहते हैं जिसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, जिसमें हर हर लेटर का हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, प्रॉपर केस या टाइटल केस, प्रॉपर और टाइटल, ठीक है। तो प्रॉपर ठीक है वो कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारा का सारा है जो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, अभी हम लोग थोड़ा सा अटेंडेंस ले ले। ठीक है ओके।